हे गाइस, मेरा नाम जिशान खान है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ हुंडई वर्ना SX मॉडल की। MID के बारे में बताऊंगा मैं कि इस MID में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या गाड़ी के अंदर वर्क करते हैं इस फीचर्स के थ्रू। तो आपने SX ऑप्शनल का तो देखा होगा MID का वीडियो, उसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या उस फीचर से हम कर सकते हैं। बट इस SX मॉडल में MID में क्या फीचर्स है तो मैं वो बताऊँगा। अगर इस वीडियो में आपको लगता है मैंने कुछ गलती कर दिया हो या कुछ गलत बोल दिया हो या मुझसे ये चीज़ बोली नहीं गई हो, सही नहीं बता पाया हो, तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए मेरी गलतियाँ, तो अगले वीडियो में मैं उसे सुधार सकूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज हुंडई वर्ना SX MID। ये SX ऑप्शनल की MID है। तो कार अनलॉक करने के बाद जैसे ही हम गेट ओपन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा गेट ओपन है, कार स्टार्ट भी नहीं हुई है, और जब कम्प्लीटली बंद रहता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो चलिए कार ऑन करते हैं। ये चीज़ मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही शानदार लगती है, लुक बढ़ जाता है। तो कार स्टार्ट करते हैं। एक बार दबाने पे एक्सेसरीज़ ऑन होती है, बट एक्सेसरीज़ में जो फर्स्ट टाइम हम क्लिक करेंगे उसमें सिर्फ ये डिस्प्ले ही ऑन होता है कार का, और बाकी विंडोज़ ये सब कुछ वर्क नहीं करते हैं। नहीं, कुछ भी वर्क नहीं करता है, सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम ऑन होता है, बाकी हम गाने वाने सुन सकते हैं। और सेकेंड टाइम दबाने पर नाउ अब हम सारा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ अप एंड डाउन, नाउ विंडोज़ अप, या विंडोज़ अप डाउन। तो सेकेंड टाइम दबाने के बाद हम सनरूफ, विंडोज़ डाउन आप देख सकते हैं। एंड नाउ अब क्लच दबा के कार हम स्टार्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा MID। तो कुछ इस तरीके से हमें ब्राइटनेस के साथ ये MID देखने को मिलती है। तो ये लेफ्ट साइड में बटन दिख रहे हैं, ये म्यूज़िक सिस्टम को पूरा कंट्रोल करते हैं ये लेफ़्ट साइड के, और राइट साइड में हम आते हैं तो ये बटन्स जो है ये MID को कंट्रोल करते हैं पूरे MID। तो ये जो आपको क्रूज़ दिख रहा है ये क्रूज़ पूरा कंट्रोल करता है। क्रूज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर ये वीडियो मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्रूज़ के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसे हम प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, थीम सिलेक्शन, अदर फीचर, लैंग्वेज एंड रीसेट। तो ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे हमें स्पीड के बारे में पता चलेगा, और जो राइट हैंड साइड पे है वो RPM हमें बताएगा। तो चलिए लाइट्स के पहले देखते हैं सिस्टम्स के। लाइट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, वन टच टर्न इंडिकेटर एंड सेकेंड हेडलैम्प डिले देखने को मिलता। तो ये वन टच इंडिकेटर है, हम पहले उसकी बात करते हैं। जो ये हम इंडिकेटर होता है, जब हम इसको स्लाइटली हम खाली टच करते हैं तो ब्लिंक करने लगता है, तो ये उसके लिए हमें यहाँ पे मिलते हैं, हमें कितना सेकंड तक वो ब्लिंक करे, 3, 5 या 7। तो मैं तो उसे 5 पे रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा अगर हमें लॉन्ग यूटर्न मारना है तो हम इसे पूरा पुश करते हैं, तो ये इसके लिए यूज़फुल होता है। और यहाँ पे सेकंड आता है हेडलैम्प डिले का, हेडलैम्प डिले का। अगर हमें इस फीचर्स के बारे में पता नहीं है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जो ओके बटन है इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो इसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ MID पे हमें पता चल जाएगा कि ये किस लिए, ये फीचर्स किस। अगर आप इसे टर्न ऑन करते हैं तो जो ऑटो हेडलाइट्स होती है तो ये उसके लिए, जैसे ही कार स्विच ऑफ करेंगे तो ये तुरंत बंद हो जाएगी। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डोर का ऑप्शन, तो डोर पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें तीन मिलते हैं, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक और स्मार्ट ट्रंक। तो ऑटो लॉक की बात करते हैं, ऑटो लॉक इसे मैंने एनेबल करा है, ये सेफ्टी में आता है, अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, और आपकी गाड़ी आपने स्विच ऑफ की है तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। और ये स्मार्ट ट्रंक, के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये स्मार्ट ट्रंक तो अभी फ़िलहाल अनेबल ही रखते हैं। थर्ड हमें देखने को मिलता है कन्वीनियंस, और यहाँ पर अगर हम कन्वीनियंस में जाते हैं तो इसके अंदर हमें वाइपर एंड लाइट्स डिस्प्ले आता है। तो ये जो वाइपर और लाइट डिस्प्ले इसी पे ही डिस्प्ले होता है, MID पे ही डिस्प्ले होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हम अपनी लाइट्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं कि ऑटो में डालना है इसको, कि फुल पे रखना है या हाफ पे रखना है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है।
तो यहाँ पे फोर्थ जो हमें देखने मिलता है सर्विस इंटरवल, इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखते हैं। सर्विस इंटरवल से आप तो सर्विस से समझ ही गए होंगे कि ये सर्विस के लिए ही यूज़ है, इसे मैंने अनेबल करा है। तो जैसे इस गाड़ी मेरी सर्विस के सेकेंड सर्विस के लिए मांगेगी तो मुझे अपडेट मिल जाएगा MID के थ्रू, ब्लिंक होने लगेगा कि गाड़ी को सर्विस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है कि 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर के बाद मुझे सेकेंड सर्विस करवानी है। यहाँ पे हमें थीम सिलेक्शन देखने मिलती है, यहाँ पे हमें तीन थीम मिलती है। तो ये थीम साइड में तो चेंज नहीं होती है, जैसे अलकाज़ार में दिखाया कि थीम चेंज होती है, ये सिर्फ जो बीच में आपको दिख रहे हैं जिसमें सेटिंग है ये उसी की थीम चेंज होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए थीम, ए थीम बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैं इसे नीचे करूँगा तो यहाँ पे थीम चेंज हो, जिस तरीके से ये चेंज होती है। मेरी पर्सनली तो सी मेरी फेवरेट है तो मैं इसे सी पे ही सेट रखता हूँ। आप देख सकते हैं सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं इसे इस पे ही सेट रखता हूँ। सिक्स्थ जो इसका फीचर है वो है अदर फीचर्स में हम जैसे ही जाते हैं, इसमें आता है फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी के बारे में, फ्यूल के बारे में। तो यहाँ पे मैंने रखा है ऑटो फिल, मतलब जब भी मैं अपना पेट्रोल इसमें पेट्रोल डलवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली MID रीसेट हो जाएगा कितना किलोमीटर मैंने चलाया है। फ्यूल इकोनॉमिक यूनिट, इस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर, तो किलोमीटर पर लीटर ही ज़्यादा सही लगता है। टेम्परेचर में यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मिलते हैं तो सेल्सियस ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो उस पर ही रखेगा। सेवेंथ जो फीचर है यहाँ पे लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश और कोरियन दो लैंग्वेज होती है तो इसको इंग्लिश पे ही रखना, गलती से भी कोरिया मत कर देना अगर आपको कोरिया आती नहीं हो तो। और अगर आपने कुछ यहाँ पे अशड़ बशड़ कर डाले हैं तो रीसेट सेटिंग भी, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं, पूरा रीसेट हो जाएगा। तो फ्यूल इकोनॉमी के बारे में जो हमने देखा था तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्यूल इकोनॉमी दिखाती है। 6 किलोमीटर जो साइड में आप किलोमीटर देख रहे हो तो हमने यही सेट किया है वहाँ पर। तो ये पूरा ऐसा कुछ हमें देखने मिलता है फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। अगर इसको रीसेट करना है तो ये प्रेस ओके, इसको दबाए रखना है और ये पूरा रीसेट हो जाएगा। ओके को दबाए रखना है, होल्ड करके रखना है तो पूरा MID रीसेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पूरा रीसेट हो चुका है, देख सकते हैं आप, एवरेज सब 0-0-0। तो अब जैसे ही मैं कार चलाऊंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तब से काउंट करना। तो यहाँ पे टोटल हमें दो सेटिंग देखने मिलते हैं, रुक जाए मैं जूम करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम आउट, पहले तो आप देख लीजिए MID कैसा दिखता है। ये देखिए जैसे मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे एक तो यूज़र सेटिंग आती है और एक फ्यूल इकोनॉमी आती है। यहाँ पे ऑप्शन मेरे साथ थर्ड आता है टायर प्रेशर, यहाँ पे देखने नहीं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बता देना अगला वीडियो में किस पे बताओ और मुझे इस वीडियो में मेरी क्या गलती होगी, मैंने क्या गलत बता दिया तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता दें। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऑटोमेटिक AC के ऊपर बताऊँगा कि ये वर्क कैसे करती है, उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। और आपके मन में भी जो भी टॉपिक होगा SX मॉडल के लिए, ऑप्शनल के लिए नहीं, ये SX मॉडल है, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि 2-3 लाख रुपए ऑप्शनल में दे के इतना वर्थ नहीं है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।